दोस्तों इस वीडियो में दो शेयर्स के बारे में बात करेंगे, TTML के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे HFCL के बारे में भी। TTML के क्वार्टर वन के रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, उन सब के बावजूद TTML के अंदर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही हमें TTML के अंदर एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली थी और वैसी ही पार्टनरशिप आज के दिन भी हमें TTML के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ HFCL लिमिटेड के अंदर भी आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। 90 रुपये की प्राइस का शेयर अब 65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या आपको इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो जाना चाहिए? और जिन शेयर होल्डर्स ने 90 रुपये से एंट्री ले रखी है, उनको क्या अब स्ट्रेटजी यहां पर लेकर चलना है? तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ITC लिमिटेड के AGM के आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जल्दी से जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं TTML के बारे में, तो TTML के शेयर्स के अंदर भी पिछले एक महीने के अंदर लगभग 8% तक की बड़ी गिरावट यहां पर हो चुकी है। और अगर हम TTML के पिछले एक साल के चार्ट पैटर्न को उठाकर देखें, तो पिछले एक साल के अंदर शेयर्स ने लगभग 985 यानी कि ये परसेंटेज तो आपको 1000 के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले एक महीने की गिरावट के कारण ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। यानी कि पिछले एक साल में शेयर्स ने लगभग 985% तक के रिटर्न्स यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लेकिन अगर आप इस शेयर का चार्ट देखेंगे और अगर दूसरे जितने भी निफ्टी 50 के दिग्गज शेयर से अगर आप उनका चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि कोई भी निफ्टी 50 का शेयर्स इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा है। यानी कि एक साल के अंदर 1000% के रिटर्न बिल्कुल भी नहीं। तो यही निफ्टी 50 के शेयरों की खास बात होती है कि वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पर जो परसेंटेज वाइज गेन्स रहते हैं वो काफ़ी शानदार रहते हैं। लेकिन अगर हम TTML की बात करें, तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि हाईली रिस्की शेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको मल्टी बेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें पिछले एक साल के अंदर देखने को मिला है। तो मैं तो यहाँ पर पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको TTML के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे यहाँ पर व्यूअर्स नीचे कमेंट करके भी बोलेंगे कि नेक्स्ट मंथ में आपको सुपर ऐप देखने को मिलने वाला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस इस वीडियो में भी बताया था कि सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेफिनेटली आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलने वाली है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण अगर वो डिले होती है, तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट आपको TTML के ऊपर देखने को मिल सकता है। हालांकि TTML की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स आज के दिन निकल कर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2021 आज ही के दिन निकल कर आई है, जिसमें अगर कंप्लीट न्यूज़ की बात करें, तो TTML ने यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड ने 14-8 के साथ में यहां पर एक बड़ी पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप का अगर मेन ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, तो वो आपको इसके स्टार्टिंग की दो लाइन में ही यहाँ पर समझ आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं SD-WAN iFlex टू एम्पावर SBMs विथ इंटेलिजेंट फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज टू एक्सेलरेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपनी नेटवर्किंग की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर TTML की तरफ से हमें यहाँ पर 14-8 के साथ में यह पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तो नो डाउट TTML का शेयर्स आपको फ्यूचर में मल्टी बेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना भी आपको सीखना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL लिमिटेड के अंदर भी आपको पिछले एक महीने से लगातार इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर मैं इन दोनों शेयर्स को कंपेयर करूं, तो TTML के कंपेयर में HFCL के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जबकि HFCL की तो फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। HFCL लिमिटेड के अंदर पिछले एक महीने में लगभग 27% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले, जब इसकी शेयर प्राइस आपको 90 रुपीज पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही थी, उसकी शेयर प्राइस डिक्लाइन होके लगभग 65 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। तो अब आपको यहां से क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है? साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि HFCL लिमिटेड के शेयर्स को ASM लिस्ट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, तो यहीं जाकर एक मेजर डिफरेंस यहां पर निकल कर आता है TTML और HFCL के बारे में। TTML रिसेंटली अभी के कुछ दिन पहले ही ASM लिस्ट से बाहर आ गया, जिसका बेनिफिट उसे मिल रहा है। और अगर हम HFCL की बात करें, तो HFCL लिमिटेड का शेयर्स अभी भी आपको
लॉन्ग टर्म की स्टेज फोर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अभी शेयर्स को एसएम लिस्ट से बाहर आने में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिसके कारण इस शेयर्स के ऊपर प्रेशर बना रहने वाला है। लेकिन अगर हम HFCL के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स बहुत ही शानदार से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो हमें शानदार ग्रोथ यहां पर देखने को मिल भी चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपने इस शेयर के अंदर नीचे के लेवल से खरीदारी कर रखी है, यानी कि मेरा मतलब है अगर आपने इस शेयर के अंदर यानी कि HFCL लिमिटेड के अंदर 16 रुपये 17 रुपये 20 रुपये से खरीदारी कर रखी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर के अंदर भी कर सकते हैं। इस शेयर्स ने भी पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी शानदार रिटर्न्स आपको बनाकर दिए हैं। और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एवरेजिंग करना चाहिए, यानी कि अगर आपने 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ से इसके अंदर फ्रेश एंट्री बना रखी है और आपके पोर्टफोलियो में इस शेयर को लेकर आपको लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग भी आपको सिर्फ एक बार में नहीं करना है, बल्कि थोड़े थोड़े करके यहां पर क्वांटिटी को बाय करना है और अपने एवरेजिंग को यहां पर बेटर करना है। क्योंकि HFCL लिमिटेड के लिए जो फ्यूचर है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू TTML। लेकिन अगर हम HFCL की टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो HFCL की टेक्निकल रेटिंग बिल्कुल भी इनके फेवर में अभी के टाइम पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले सेंटिमेंट्स भी बियरिश के हैं, तो यदि आपने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको भी प्रिपेयर होकर चलना है, आपको और गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ HFCL लिमिटेड के लिए जो कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। कल के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं, जिसमें HFCL लिमिटेड का पहला सपोर्ट 64 रुपये 60 पैसे का, दूसरा सपोर्ट 62 रुपये 30 पैसे का और तीसरा सपोर्ट 59 रुपये 10 पैसे का रहने वाला है। इसी के साथ में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 70 रुपये 10 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस 73 रुपये 30 पैसे का और तीसरा रेजिस्टेंस 75 रुपये 60 पैसे का निकल कर आ रहा है। तो यदि आपने इन दोनों हाईली रिस्की शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा, हाईली रिस्की से मेरा मतलब है कि इन शेयर्स के अगर आप चार्ट को उठाकर देखेंगे तो पिछले 1 से 1.5 महीने में आपको इन शेयर के अंदर सिर्फ अपर सर्किट लोअर सर्किट ही यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तेज़ी से शेयर्स के अंदर अपर सर्किट लगते हैं उसी तेज़ी से आपको इसके अंदर लोअर सर्किट भी देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए यह हाईली रिस्की शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि HFCL लिमिटेड का शेयर्स तो वापस स्मॉल कैप के अंदर शामिल हो गया है, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। TTML के अंदर जो पार्टनरशिप की अपडेट निकल कर आई है, जो एक बड़ी खबर है, एक गुड न्यूज़ है, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और HFCL लिमिटेड के अंदर जो इनकी ASM लिस्ट की स्टेज 4 के अंदर शेयर्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव खबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।